हाँ से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सभी सी हैं तो पॉइंट ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताओ। सभी रेजिस्टेंसेस सी हैं तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा। कितना आ रहा है, थ्री बाई टू, थ्री सी बाई टू, हाँ थ्री सी बाई वन आ गया। चलो देख लेते हैं क्या हुआ कि यार ये दोनों तो आ गए सीरीज में, तो सी और सी, सी बाई टू, ये सी बाई टू इस सी के साथ में पैरेलल में, तो थ्री सी बाई टू। सिमिलरली सेम सिचुएशन यहाँ बनी, तो थ्री सी बाई टू, ये थ्री सी बाई टू और ये थ्री सी बाई टू दोनों सीरीज में, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा थ्री सी अपॉन फोर, समझे। नेक्स्ट वहाँ पर ये कितना है, ये यहाँ पर सी है, यहाँ पे स्ट्रेट है और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एवरी कैपेसिटर इज सी, तो पूछा है ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस। आया बोलो सबका, है ना। अब तक तो हो जाना चाहिए था, करंट में इतना सब कुछ काम कर रखा है तो ये भी हो ही जाना चाहिए था। चलो देख लेते हैं क्या हुआ कि यार ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को भी ए कह सकते हैं, अगर इसे देखा जाए तो ये बी कहा सकता है, इसे भी बी कहा सकता है, इसे भी बी कहा सकता है। ये पॉइंट ना तो ए है ना ही बी है, तो मैंने कह दिया लेट से लेट से लेट से दिस इज सी। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो ये ना तो ए बी है, बी है ना ही सी है, तो ये कह दिया लेट से डी। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा भाई सीरीज़ कौन सा और पैरेलल कौन सा। तो मैं देखता हूँ कि ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, मैंने यहाँ बना दिया। फिर देखा कि ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, मैंने इसे इस तरह से बना दिया। फिर सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, मैंने ये बना दिया। फिर बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये मैंने बी बनाया, ये मैंने डी बनाया। और फिर मेरे सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये बना दिया। फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो ये बना दिया। हो गया मुझे लगता है सब कुछ। तो यहाँ देख सकते हो क्या बन गया कि ये व्हीटस्टोन बन चुका है ना, ये व्हीटस्टोन बन चुका है। तो व्हीटस्टोन बना तो यहाँ पे कैपेसिटर में भी व्हीटस्टोन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ करंट में ही बना। तो सर ये ऐसा कैसे हो गया कि मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसको वही सिचुएशन बनेगी जो अपना करंट के केस में बना हुआ था। तो इमेजिन कर लेते हैं कि मैंने ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी लगा दी, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी लगा दी। तो अब क्या होगा ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सर्किट, यहाँ से जितना करंट गया, जितना चार्ज गया उतना ही चार्ज इस तरफ जाएगा, उसी तरह से जितना चार्ज यहाँ से गया उतना ही चार्ज यहाँ से जाएगा। इसका मतलब इस बेचारे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला सी और ये वाला सी क्या कहा जाएगा, सीरीज की पैरेलल।
सीरीज़, तो ये सी बाई टू। इसी तरह से ये नीचे वाला सी और ये नीचे वाला सी, तो दोनों सीरीज़ में आ गए, ऊपर सीरीज़ नीचे सीरीज़, तो सी बाई टू और सी बाई टू आपस में आ चुके हैं पैरेलल में, है ना। ऊपर वाला सी बाई टू, नीचे वाला सी बाई टू आपस में पैरेलल में, तो कितना आ गया, ये सी आ गया। इसका मतलब इस पूरे व्हीटस्टोन का जो बना हुआ है वो सी आ चुका है, और ये साथ में ये बैठा हुआ है, और ये भी क्या है, पैरेलल में है, तो वो सी और आ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2C। देख लो, एनी डाउट? डन? अगर मैं कहता हूं यहां पर बैटरी दे दी जाए, बैटरी दे दी जाए, तो क्या सभी पर हम चार्ज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से, ठीक है, देख लो सब लोग, है ना। आपको सवाल में ये नहीं दिया जाएगा, सवाल में ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा सभी पे चार्ज बताओ, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बताओ, अरे यार इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई, पोटेंशियल डिफरेंस ई, तो चार्ज आ जाएगा सी ई। ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, टोटल ई आया है, और इंडिविजुअल कैपेसिटर पर आ जाएगा ई बाई टू आ जाएगा, तो इस पर चार्ज हो जाएगा ई बाई टू, सी ई बाई टू, और दूसरे पे सी ई बाई टू। सिमिलरली इस ब्रांच का भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भैया हम सभी के चार्जेस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हर ब्रांच में जहां पर भी आपको दिख रहा है वहां पर कैपेसिटर सी है। एवरी ब्रांच, ब्रांच हैज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो पूछा है कैपेसिटेंस, मतलब ए और बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा। एनीवन, क्या किया जाए? करंट सिमेट्री,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिन ब्रांचेस को अलग कर सकता हूँ ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि यार ये वाली ब्रांच ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कुछ याद आ रहा है करंट सिमेट्री? फिर उसी तरीके से ये वाली ब्रांच भी अलग हो जाएगी। तो आई कैन से कि भैया ये वाली ब्रांच ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली है ये आपस में क्या होगी, पैरेलल में होगी। तो इन दोनों का मिला के, यानी कि ये वाली ब्रांच और इसका मिला के कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस बोलो? अरे मर गए, बोलो बाबा कितना? देखो ये वाली तो इसमें दो कैपेसिटर सीरीज में आ चुके हैं, तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस? C/2। फिर उसके साथ में ये वाला सी पैरेलल में, तो कितना हो गया बोलो? 3C/2। ठीक है, फिर उसके साथ में ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में आ चुका है, तो 3C/2। यहाँ पर मैं अगर ऊपर वाली ब्रांच का निकालता हूँ तो मैंने मान लिया उसका C1 हो गया, तो वो लिखा जाएगा 1/3C/2 प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से आ गया 3C कॉमन, ये बन जाएगा 2 और इससे आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा 3। तो ये कितना आ गया? ये आता है 3C/8 आ गया है C1। इसका मतलब पूरी ऊपर ब्रांच का, ये जो ऊपर वाली ब्रांच थी उसका टोटल मिला के आ चुका है 3C/8। अच्छा बताएं ये मिडिल ब्रांच का क्या हुआ होगा? C/2 हो जाएगा। और ये C/2 वाली ब्रांच और ऊपर वाली ब्रांच सीरीज में कि पैरेलल? पैरेलल। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर C2 हो गया, ये ऊपर वाली दो ब्रांचेस का मिला के, तो वो हो चुका है C/2 प्लस 3C/8। तो ये आ चुका है 8, ये है 4C और ये है 3C, तो ये है 7C/8 बन चुका है। तो C2 की वैल्यू आ चुकी है 7C/8, है ना? 7C/8 बन चुकी है ऊपर वाली दो ब्रांचेस का मिला के। फिर उसके साथ में ये वाला C और ये वाला C क्या होगा बोलो? सीरीज के पैरेलल सीरीज बन जाएगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि ये मिला लिया मान लो 1/C3 लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/7C/8 प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये आ जाएगा 7C तो नीचे और ये ऊपर, इसका 8 और इसका 7 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 7 और 7 14, 14 और 8 22। तो ये आ जाएगा C3, इससे बन जाएगा 7C/22 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पूरा हमने मिला के देख लिया तो ये 7C/22 बन चुका है। फिर उसके साथ में ये आ गया C/2 और ये आ गया C, ये सभी पैरेलल में। तो इफेक्टिवली सी, इफेक्टिवली अगर कहा जाए फाइनल, तो वो कितना होगा? C3 प्लस C/2 प्लस C। समझे क्या? अरे बोलो। तो ये आ गया 7C/22 प्लस C/2 प्लस C। तो यहाँ से आ गया 22, ये आ गया 7C, इससे आ गया 11C और ये आ गया 22C। तो ये कितना आ रहा है? 33 और ये 40C/22 आ रहा है, यानी कि 20/11C आ गया, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। देख लो की भी चीज़ें हैं अपन ने करंट में, प्रैक्टिस हो जाएगी बस, है ना? और ये चीज़ जो मैंने लिखी है वो खुद से नोट करोगे तो समझ में आएगा, मेरा लिखा हुआ लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर मैच करना चाहिए अपना 20C/11। देख लो, कर लो, करके बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो। एनीवन? डन।
अरे हो गया क्या बाबा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पर चार्जेस बताइए, कहाँ पर कितना चार्ज होगा? सभी कैपेसिटर पर, तीन कैपेसिटर देख रहे हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमसे पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये सवाल बढ़िया है, कोशिश करें खुद से हो जाए। क्या किया जाए? बरोबर बरोबर, वेरी गुड। आया क्या उससे कुछ, या अभी कर रहे हो? ठीक, फिर तो आ जाएगा, फिर तो आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार वही अपना जो काम करंट में किया था, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माना जा सकता है। और जब सर्किट आपको ऐसे कनेक्टेड दे दिया जाए, मतलब पहले से ही कनेक्टेड है ना, यहाँ पर ऐसा बोला नहीं है कहीं से कहीं स्विच है, तो पहले से ही कनेक्टेड दे दिया जाए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस कैपेसिटर पर जितना चार्ज आना चाहिए उतना आ चुका है, उसके बाद में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जितना चार्ज आना चाहिए था वो आ चुका है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सर्किट अगर बिना स्विच के इस तरह से दे दिया गया, तो बहुत समय से ये सर्किट ऐसा ही बना हुआ है, और बहुत समय से सर्किट ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब जिस कैपेसिटर पर जितना भी चार्ज आना था वो आ चुका है, अब चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कि जैसे हमने करंट में किया था, किसी भी पॉइंट का रेफरेंस के लिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल है जीरो शून्य, तो मैं कह सकता हूँ इन सभी पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल को जीरो लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा 20 वोल्ट, अगर इस पॉइंट का लिखें तो 10 वोल्ट, एंड इस पॉइंट का देखें तो 5 वोल्ट। मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूं तो क्या यहां पर पोटेंशियल हम लिख सकते हैं? क्या ये 10 15 20 कुछ होगा क्या? नहीं मालूम, पता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, हमें नहीं पता। तो क्यों? क्योंकि यार बीच में कैपेसिटर फंसे हुए हैं, उन सभी पर कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मान लिया यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, तो अब मैं देखता हूँ कि भाई पोटेंशियल तो हमने मान लिया है, अब निकाला कैसे जाए इसको, अब इसको निकाला कैसे जाए? सर केवीएल लगा लें क्या? अरे बच्चा केवीएल की मदद से ही तो हमने ये जीरो जैसे लिखा, तो यहाँ का पोटेंशियल 20, यहाँ का पोटेंशियल 10, ये सब चीज़ें लिखी हैं।
फिर बोलो। क्या करें? इसको और बेटर अपन कह सकते हैं, शायद आपने सही सोचा है। मैं देखता हूँ, एक वाइट लाइन बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे मैंने बना दिया, ये इस तरीके से मैंने बना दिया। अभी मैं देखता हूँ इस वाइट लाइन के अंदर में कितनी प्लेट्स आपको दिख रही हैं, बोलो। तीन प्लेट्स दिख रही हैं, और इस वाइट लाइन के जो डब्बा बनाया उस डब्बे के अंदर तीन प्लेट्स हैं, इनका आपस में कांटेक्ट है क्या, बोलो। हाँ है, लेकिन इनका क्या बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है क्या, कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या इनका? नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया इन पर बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई वायर जुड़ी हुई है, ना ही कोई वायर बाहर जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ना बाहर से कोई चार्ज आ सकता है, ना ही यहाँ से कोई चार्ज बाहर जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक सिस्टम जो बना हुआ है, आइसोलेटेड प्लेट्स कही जा सकती हैं, कि इनका आपस में कनेक्शन तो है, इनका आपस में कनेक्शन तो है, लेकिन इस तरह से बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इनका जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या होना चाहिए, बोलो, शून्य होना चाहिए। समझे क्या? अरे यार, है ना, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अब जीरो होना चाहिए तो अब कैसे लिखें, मतलब नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ऐसा काम हमने वहां पर भी किया था, किसमें, केसीएल में, किरचॉफ्स करंट लॉ में या जंक्शन लॉ में। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, एक जंक्शन ले लिया, जैसे कि हमारा ये एक्स वाला पोटेंशियल का जंक्शन है, और उस जंक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा कि देखूंगा कि इससे जुड़ा हुआ जो भी चार्ज है उन सभी चार्जेस का सम शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बच्चा मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा या कम से मतलब कि यार 20 वोल्ट से ज़्यादा है या कम है, 5 वोल्ट से ज़्यादा है या कम है, 10 वोल्ट से ज़्यादा है या कम है, मुझे नहीं पता है ना। पता होता तो लिख ही देता ना, एक्स की वैल्यू इतनी मेहनत क्यों करते। तो एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यार मान लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू 20 से भी ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू 10 से भी ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू 5 से भी ज़्यादा है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक्स से जुड़ी हुई सभी प्लेट्स के लिए अगर मैं चार्ज लिखता हूँ तो देखो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल है एक्स और यहाँ का पोटेंशियल बोलो 20, तो 2μF कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस कर दिया जाए तो चार्ज आ जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना हुआ और कैपेसिटेंस हुआ 2 प्लस। मैं देखता हूँ कि ये जो 5, ये नीचे वाला, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, और यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है, 1 है प्लस। अब तीसरी टर्म क्या लिखूँ आप बताइए, तीसरे कैपेसिटर के लिए ये हो जाएगा 1 × x − 10 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से दिस इज कमिंग आउट टू बी 2x − 40 प्लस x − 5 प्लस x − 10 बराबर 0। तो ये आ गया 2x, x और अरे माइनस एक्स कहाँ से आया, प्लस एक्स है ना, तो ये प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 4x −40 −5, तो ये −45, −45 और −10, तो वो −55 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 55/4 वोल्ट, x का पोटेंशियल आ गया 55/4, कितना हो जाएगा यार,
12 और ये 13, 13.75 बन जाएगा, 13.75 वोल्ट बन रहा है, सही बना है क्या? हाँ 13.75 वोल्ट बन गया। तो आप देख सकते हैं कि भैया मैं कहता हूं ये सर्किट हमारा बना हुआ है और क्या था, हाँ यहाँ पर पोटेंशियल था 20 और यहाँ पर है 13.75 वोल्ट। बताइए ये जो 2μF वाली प्लेट है, 2μF की किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और किस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा? अरे यार फिर चुप हो गए। रीजन करंट नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि चार्ज की जहां पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज है, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो चार्ज कम होना चाहिए। इसका मतलब जिस पॉइंट पे लिए पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पर चार्ज होगा पॉजिटिव और जहां पर पोटेंशियल कम होगा वहां चार्ज होगा नेगेटिव। और चार्ज की वैल्यू अगर लिखी जाए तो वो कितनी लिखी जाएगी? वो होगा 2 × 20−13.75। समझे क्या? अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूं तो ये तो था 5 वोल्ट। तो आई कैन से ऊपर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल है ज्यादा और नीचे वाले के लिए पोटेंशियल है कम, तो इसके लिए लिखा जाएगा कैपेसिटेंस इंटू 13.75 − 5। ठीक है, अगर मैं इस प्लेट के लिए लिखता हूँ, अब आप लोग बता दो। एंड अमाउंट −10 बरोबर, तो उसका नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 1 × 13.75 − 10। और यूनिट क्या होगी चार्ज की, बोलो? कूलाम, माइक्रो कूलाम है ना, म्यूसी रहेगा। तो इस तरीके से सभी प्लेट पर हमारे चार्जेस बन चुके हैं और यही पूछा हुआ था। एनी डाउट? एक बार ये इक्वेशन खुद से जरूर लिखना है ना, इसमें गलती कर सकते हो आप, ये अगर कर लिया तो बाकी चीज तो कर ही लोगे। डन, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े क्या? सभी कैपेसिटर पर चार्जेस,
स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, करो। कुछ अल्टरनेट सिमेट्री दिख रहा है क्या आपको? अल्टरनेट सिमेट्री से देखो। बोलो। किस पर माना? इस पॉइंट के, इसको एक्स मान लिया, ठीक है, वाई मान लिया। नहीं बच्चा, एक ही इक्वेशन बन पाएगी। मैं बताता हूँ रीज़न, क्योंकि अगर आप इसके लिए करोगे ना, ये लो, इस पॉइंट के लिए लिखा, तो यहाँ का पोटेंशियल मैंने 10 वोल्ट मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, ठीक है। तो मैं जब ऊपर वाले के लिए, जंक्शन के लिए अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ, तो वो क्या लिखा जाएगा? वो होगा x माइनस 10 इंटू 1, x माइनस 0 इंटू क्या बना, ये x माइनस 0 इंटू 2, और ये क्या बन जाएगा? x माइनस y इंटू 1 बन जाएगा। चलो ठीक है, y माइनस 10 इंटू 2, हाँ बन जाएगा भाई, सही कह रहे हो, बन जाएगा। डन डन डन, चलो बहुत बढ़िया। चले शुरू करें। तो एक तो अल्टरनेट सिमेट्री से दिख जाएगा, है ना। चलो अभी मैंने इसको एक्स और वाई मान लिया, तो उसी तरीके से मैं पहल करके दिखा देता हूँ कि ये हमने देखा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ है, आइसोलेटेड है, तो इसका मतलब नेट चार्ज जो बना रहेगा वो 0 बना रहेगा। और इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ, इसके लिए इक्वेशन अगर लिखता हूँ, तो बताइए क्या लिखें? ये होगा x माइनस 10, है ना, x माइनस 10 इंटू 1, ये तो चार्ज लिखा। फिर इसके लिए लिखा जाएगा x माइनस 0 इंटू 2, और तीसरा लिखा जाएगा x माइनस वाई इंटू इंटू 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 10 प्लस 2x प्लस x माइनस वाई बराबर 0। तो x, 2x और x, तो ये आ गया 4x माइनस 10 माइनस वाई बराबर 0। तो ये तो बनी इक्वेशन 1।
इसी तरीके से नीचे वाले को भी देख सकते हैं। तो ये रहा ये नीचे वाला, तो ये भी क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड इसका मतलब नेट चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज जीरो तो मैं क्या लिखता हूं, इक्वेशन अब आप बताइए क्या लिखें। इस 2m 2 म्यू एफ से शुरू करते हैं, बोलो y माइनस 10 इंटू 2 प्लस y माइनस x इंटू 1 प्लस y माइनस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आया 2y माइनस 20 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कितना आ गया, 2y और ये y, तो ये आ गया 4y, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0 आ चुकी है। तो अभी एक काम करते हैं ना, यहाँ से y की वैल्यू उठाते हैं, y आ चुका है 4x माइनस 10 आ चुका है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 4 टाइम्स 4x माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी, दिस इज़ कितना, ये आ गया 16x, तो इधर बना माइनस 40 माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो 16 और ये x, तो ये 15x आ गया, और ये कितना आ गया 15x, और ये माइनस 40 माइनस 20, तो ये माइनस 60 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ चुकी है 4 वोल्ट, और y अगर लिखा जाए तो y इज 4x माइनस 10। तो 4x माइनस 10, तो दिस इज 4, x की वैल्यू आ चुकी है 4 माइनस 10, तो दिस इज 6 वोल्ट। चलो ये भी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में बन चुका है कि सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल आ गए, तो चार्जेस भी आ जाएंगे, है ना। आप चार्ज तो निकाल ही पाएंगे, बोलो। अभी नेक्स्ट एक और तरीका है, एंड दैट इज अल्टरनेट सिमेट्री, है ना। ये देखते हैं हम मेथड टू। हाँ, 1μF है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा बना है, दस वोल्ट, और दिस इज़ वॉट, दिस इज़ 1μF, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ 1μF, दिस इज़ 2μF, एंड दिस इज़ 1μF, एंड दिस इज़ 1μF, इतना दे रखा है। अभी मैं क्या देखता हूँ, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, अल्टरनेट सिमेट्री अपने को दिख रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार इस प्लेट पर लेट से सम चार्ज आया ए, तो यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, और इसी सिमेट्री के बेसिस पर इस अगले μF पर, एक मिनट कुछ गड़बड़, ये 2 था, हाँ, तो इस यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इस पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ माइनस a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर b आया, यहाँ पर माइनस b आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b और माइनस b आ जाएगा, समझे क्या। और अगर मैं इस प्लेट के लिए लिखता हूँ यहाँ पर चार्ज, तो चार्ज कंजर्वेशन से ही बता दो कितना आ जाएगा, बोलो, कि नेट चार्ज शून्य से करके ही a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस ऑफ a माइनस बी कर देते, माइनस ऑफ a माइनस बी, इस तरह से हमारा चार्ज बन चुका है। तो अभी क्या है, बड़ी सिंपल सी बात बची है, अब तो KVL का गेम खेल लो। तो क्या करें, यहाँ से एक लूप ऐसा लिया, ये लूप बन गया, ये है लूप नंबर 1, फिर दूसरा एक और लूप बनाएं, तो ये बना दूसरा लूप, ये बन चुका है लूप नंबर 2। तो यहाँ से दो इक्वेशंस लिख लीजिए, दो वेरिएबल कर दीजिए ए और बी, वहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो दिस इज़ अनदर मेथड, जो आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन फाइंड द वे। बोलो कोई डाउट, जंक्शन, मेरा जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ, लिख लिया क्या सब कुछ,
अरे लिख लिया ना रे। हाँ ओके 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 ओके। नेक्स्ट पॉइंट ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस, सभी कैपेसिटर सी मान लीजिए, है ना, सभी सी 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 एंड सी है, ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा? क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कर ही लोगे यार आप, समझदार तो है ही। हाँ तो ये इधर आया, ये इधर आया, और मैंने इसको मान लिया कि इधर आ गया, इसका कैपेसिटेंस एक्स मान लेते हैं, है ना। बताऊँ क्या ये सब चीज़ें, है ना, समझ तो गए होंगे आप लोग। तो ये क्या है, एक्स और सी दोनों आ चुके हैं पैरेलल में, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस सी, और उसके साथ में ये वाला सी सीरीज में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी इंटू सी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अगेन, समझे क्या? बाकी लोग बोलो रे। तो ये आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स प्लस टू सी आ गया। तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया, राइट हैंड साइड में सब कुछ ले आते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और टू एक्स सी का एक्स सी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से बना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ सी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 AC, यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू सी, सी है माइनस सी स्क्वायर, मतलब माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2 a, तो 2 इंटू 1, तो ये माइनस सी प्लस माइनस रूट ओवर अंदर 4 और 1 5 बन चुका है, तो 5 c² अपॉन 2 बन चुका है, तो माइनस वाला तो रिजेक्ट कर ही देता हूँ। तो x की वैल्यू फाइनल जो बनी है वो √5 - 1/2 × c बन चुकी है, ठीक है। इतना बन जाएगा हमारे पास में नेट कैपेसिटेंस x की वैल्यू, मतलब जो भी नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बनने वाला है ना, वही वाली चीज़, वो समुंदर में से एक निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जैसे कभी ऐसा लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाने का मन है किसी का? हाँ तो एक्चुअली है ये आसान, मतलब एक थोड़ा फाइनेंशियली काफ़ी महंगा पड़ सकता है ये, बट अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ इसी के लिए, आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अपना JEE होता है ना, फॉरेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर GRE नहीं, GRE तो MS के लिए होता है, यहाँ पर SAT होता है, SAT होता है, ठीक है, SAT होता है। तो SAT का अगर पेपर देखेंगे तो बहुत टफ नहीं होता है, मतलब आप समझ लो कि मेंस लेवल टाइप समझ सकते हैं, उसमें इंग्लिश विंग्लिश भी कहीं पर फंसती है, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि हाँ, मतलब ऐसी कोई बहुत भयंकर इंग्लिश नहीं है, तो इसमें अब पॉइंट ये है कि भैया जैसे अपना तो IIT JEE का पेपर कर दिया, तो आप मतलब क्लियर हो, आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो दैट मीन्स यू आर इन, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए दैट मीन्स यू आर आउट। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि SAT स्कोर तो बस एक वो है, प्री रिक्विजिट है। अब जैसे मान लो आपको जाना है MIT में जाना है, सुना है क्या, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? हाँ बरोबर। तो अभी क्या है कि यहाँ पर अगर आपको जाना है तो यू विल हैव टू फिल द फॉर्म अवेलेबल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और उसमें आपका SAT का स्कोर आपको बताना पड़ेगा कि मेरा इतना स्कोर था। इसके अलावा वहाँ पर वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP,
है ना, ये भी बताना होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि भाई आना क्यों चाहते हो, मतलब हम क्यों ले तुम्हें, या ऐसा क्या है तुम में, इस तरह की जो फालतू चीज़ें सब पूछते हैं वो सब इसमें पूछी जाती है। और इसके अलावा एक और होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, दो चीज़ें भरी जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक और ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ही चीज़ें हैं जो कि अपने बारे में बताओ टाइप्स होता है ना वो वाला। तो उससे क्या होता है कि फिर वो अपने फॉर्म को पूरा, हाँ, डैफ 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 होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसा है, आपने क्या समाज के लिए क्या काम किया, मतलब वो सभी चीज़ें जो भी कर रखी होती वो पूछी जाती है ना, स्पोर्ट्स में आपका कैसा है, ये सब चीज़ें। देन वॉट, हाँ, सैट का एक, मतलब एक फैक्टर रहता है, लेकिन आपका सैट अगर बहुत अच्छा है और बाकी इतना अच्छा नहीं है तो फिर वो, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप सैट के बेसिस पर ही जज हो रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है। तो वहाँ पर सैट का पेपर हुआ, फिर उसके साथ में ये वाली चीज़ें भी होती हैं, एंड इसके बाद में आपको जज किया जाता है, एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आपको लेना है नहीं लेना, और अगर लेना है तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना स्कॉलरशिप के लिए वो, मतलब एलिजिबल हो आप। तो कुछ बच्चों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी होती है, लाइक 80%, 90%, किसी के लिए तो 100%, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो। हाँ, मतलब ये, अरे ये एक इंटरव्यू भी होता है, एक इंटरव्यू होता है, मतलब इसी चीज़ पर होगा ना, और कैसे जज करेंगे। तो मिला जुला के ये आपका इंटरव्यू, हाँ, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई पहले ही निकल जाओ तो लाइक आप तो बहुत ही आगे चले जाओगे। बट द थिंग इज़, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि भाई सैट का जो पेपर होता है, मैं अगर आपको बताऊं इस बारे में, तो वो साल में 3 या 4 बार होता है। जो मोस्ट कन्वीनियंट टाइम हमारे लिए होता है वो जनवरी में होने वाला जो पेपर है वो हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट होता है। दूसरी बात कि इसका जो स्कोर है वो, मतलब 1 साल 2 साल तक चलता है, ऐसा कुछ है कि मान लो आपका अभी सैट का स्कोर आ गया लेकिन आपका SOP वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप मतलब उस पर काम कर सकते हैं, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। मैं जनरल बता रहा हूँ, अपने लिए नहीं करना वो सब चीज़ें। तो वो स्कोर आपके लिए अगले साल भी यूज़ में आ जाएगा। दूसरी बात, सैट के ये होता है कि क्या था, हाँ, इसका जो फॉर्म होता है वो अराउंड 15,000 कुछ होता है, मतलब इतने रुपए का होता है, 15 से 20, हाँ, सिर्फ फॉर्म। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में जब मान लीजिए आप कहीं अप्लाई करते हैं, जैसे आप मान लीजिए स्टैनफोर्ड में अप्लाई करते हैं, तो उसके फॉर्म की अलग ही होगा, ये जो लिखा जाएगा ना सब कुछ चीज़ें, ये उसके लिए अलग ही फिल करना पड़ेगा, प्लस आपका सैट का स्कोर वहाँ जाएगा। तो सैट तो मतलब ये समझ लो कि टोल टैक्स है, ये समझ लो कि आपका ये टोल टैक्स है। फिर उसके बाद में जहाँ पर भी, जिस भी रेस्टोरेंट में आपको जाना है वहाँ पर उसके पैसे आपको अलग से देने पड़े। हाँ तो स्टैनफोर्ड में अपना वैसा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लो आपको MIT का फॉर्म भरना है तो वहाँ का कुछ और हो जाएगा, एंड किसी और यूनिवर्सिटी का जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो उसका अलग अपना स्कोर, मतलब अलग फॉर्म भरा जाएगा, और सभी के अलग अलग कॉस्ट हैं, है ना, सभी के अलग अलग फॉर्म की पैसे लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी में फ्री में भरा जा रहा है, जैसे इंडिया में तो क्या होता है कि भाई आपने 1,000 रुपये का फॉर्म भरा, कितना आता है JEE का फॉर्म, कितने का, 1,000 ही है ना, और लड़कियों के लिए तो शायद फ्री है। तो वो फॉर्म अगर आपने भर दिया, हाँ, आपने फॉर्म भर दिया तो दैट मीन कि हाँ आपने सभी के लिए अप्लाई कर दिया है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको सभी कॉलेजेस में जिसमें भी आप शॉर्टलिस्ट करेंगे वहाँ पर अप्लाई करना है, एंड यू विल फाइंड आउट कि हाँ यार आपको कहाँ स्टैंड करते हो स्कॉलरशिप वाइज वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वी मे थिंक अबाउट इट कि हाँ भाई, मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत बड़ा चीज़ हो जाती है, है ना, 15,000 ये, और इंडिविजुअल कॉलेज का और बन जाएगा, तो मतलब वो करीब करीब 40,000 तो आप दिमाग में रखी लो इसका सीन। मतलब मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है, अगर कोई सिंसियरली अगर इंटरेस्टेड हो तो इस बारे में अपन और मतलब सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एंड मतलब जनवरी के लिए करना है तो अभी कितना टाइम है, अभी जुलाई शुरू हुआ है, तो मतलब हो जाएगा। पेपर बहुत आसान होता है सैट का, आप मतलब JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ में हो भी जाएगा। इंग्लिश विंग्लिश बीच में हो सकता है, देखिए यार मैथ्स होती है, थोड़ा एप्टीट्यूड चेक होता है कि भाई बंदा कैसा है, और दूसरा एप्टीट्यूड तो कर ही लेते हैं, अगर आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हो तो एप्टीट्यूड का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स होगी और शायद थोड़ा सा फिजिक्स भी होता है और इंग्लिश भी होता है। तो मतलब अपना अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, मतलब ज़्यादा कोई लोड नहीं आता।
तो यू मे थिंक अबाउट इट, है ना। बस ये फाइनेंशियल फैक्टर एक सबसे पहले तो तैयार कर लो कि हाँ सर ठीक है, इतना तो अपन अगर कर सकते हैं तो यू मे थिंक अबाउट इट। और काफ़ी अच्छा है ना कि मान लो आप कर, लेट्स से कि MIT में हो गया किसी का, है ना, फिर जैसे हो गया मान लो साल भर तुमने गुजार लिया अमेरिका में, फिर फ़ोन करोगे मेरे को कि देखो सर आप तो यहीं रह गए। नहीं मैं तो इंग्लैंड इंग्लैंड गया था। नहीं। तो नहीं अकेले नहीं ना, वो पूरी टीम थी, कॉलेज की टीम थी, उसमें गए थे। तो क्या अकेले? अरे कौन सा अकेले भाई, क्या अकेले। तो अभी हाँ मतलब दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन थिंक कि हाँ यार मैं इस तरह से कुछ सोच सकता हूँ। तो मतलब इतना टफ नहीं है, मतलब क्या है ना कि लोगों को पता नहीं होता तो हवा बन जाता है कि भाई कितना पता नहीं क्या होगा, कि IIT में जाने में तो बैंड बज रही है अपनी, तो मतलब MIT में तो और बैंड बज जाएगी। बट ऐसा नहीं है, MIT इज़ रिलेटिवली ईजियर। अगर मैं कॉम्पिटिशन वाइज अगर देखूँ तो MIT इज़ रिलेटिवली ईजियर, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो यू विल फाइंड इट वेरी ईजी। ठीक है, तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड यू मे टॉक टू मी, एंड अपन अगर सच में इंटरेस्टेड हो, है ना, नहीं तो फिर फालतू में करवा के कि सर कर लेते हैं कर ले कर लेते हैं और एक दो चार दिन बाद गायब, है ना। तो अगर कोई जेनुअली इंटरेस्टेड हो एक बार अपने घर पे बात कर लेना, एंड वी मे थिंक अबाउट कि हाँ यार तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारे प्रोफाइल क्या है, और उसके बाद में फिर अपन अगर सोचें तो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ओलम्पियाड, फिजिक्स ओलम्पियाड। एंड उसमें फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में कुछ जानकारी है क्या अपने को? अभी नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में कुछ होने वाला है ना, सेकंड थर्ड वीक नवंबर एंड। हाँ क्यों नहीं होगा, मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं कि अभी जो जनरली ये था कि नवंबर एंड के आसपास, दिसंबर के बिगिनिंग के आसपास आपका फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर होता है। इसमें एक्चुअली तीन स्टेज में होता है। स्टेज 1 तो जो होता है, हाँ NSEP कहा जाता है, स्टेज 1 जिसे NSEP कहा जाता है, स्टेज 2 उसे कहता है INPHO, एंड स्टेज 3 यहाँ पर इसे होता है कैंप होता है, और फिर कैंप के बाद में लोग सेलेक्ट होते हैं, और स्टेज 4 जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO यहाँ जाया जाता है। तो स्टेज 1 में तो क्या होगा, NSEP कहा जाता है, नेशनल पता नहीं क्या है इसका, भूल गया मैं तो, है ना, एग्जाम, हाँ ये आ गया, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स ये आ गया। हाँ तो ऐसा कुछ था। अब इसमें क्या है कि जो पेपर होगा इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होती है कि ये टाइम लिमिट होती है, और आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, मतलब आपके जो क्वेश्चंस का लेवल समझ लीजिए तो JEE Main या JEE Main से थोड़ा नीचे ही समझ लीजिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके लगभग 70-75 क्वेश्चन होते हैं, और अभी टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1.5 घंटा या 2 घंटे में कुछ करना है। हाँ तो 2 घंटे में आपको करना है, तो उसमें क्या है कि टाइम लिमिट थोड़ी दिक्कत कर देता है, कि उस टाइम लिमिट में काम करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि मतलब दिक्कत वो हो जाती है कि बच्चे को अगर आता भी है लेकिन वो टाइम लिमिट की वजह से बाहर हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है। जैसे अगर आप राजस्थान से अगर हो रहे होते तो राजस्थान में क्या है कि सभी दुनिया भर के बच्चे आते हैं, कोटा से यहाँ पर पास होते हैं तो कोटा से फॉर्म भरते हैं, जनरली ऐसा होता है, एंड कोटा से फॉर्म भरते हैं तो कोटा की कट ऑफ या राजस्थान की कट ऑफ बहुत बड़ी आती है, क्योंकि सभी अच्छे पढ़े लिखे। हाँ तो अभी महाराष्ट्र से भरेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलेटिवली आसान रहेगा अपने लिए। नहीं कम नहीं किया, नहीं वो कम ऐसे ही रहा होगा, मतलब बराबर ही रहा होगा, वो तो उस पर रहता है कि कितने बच्चे। हाँ बिल्कुल, तो वो मतलब उनके हाथ में नहीं है, वो तो बच्चों के स्कोर पे रहता है कि अगर वहाँ पर बच्चों ने अच्छा स्कोर किया तो वो उसको चूज़ कर लेंगे, है ना, कॉम्पिटिशन है ना ये मतलब पास करने का एग्जामिनेशन नहीं है, ये तो चूज़ करने का एग्जामिनेशन है, तो दे विल चूज़ विच एवर इज़ द हाइएस्ट। तो स्टेज 1 के बाद में इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन यू गो टू स्टेज 2 जिसे कहा जाता है इंडियन फिजिक्स ओलम्पियाड। ये 3 घंटे का पेपर होता है। इस 3 घंटे के पेपर में आपको मतलब 6 या 7 सवाल आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जैसे मान लिया कि कोई अपने को दे दिया, जैसे मान लो कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिला के एक लंबा छोटा सा सवाल दे दिया, उसमें 3-4 पार्ट कर दिए, उस सवाल के लिए बोल दिया कि ये 15 मार्क्स का सवाल है, 15 मार्क्स में से 4-5 पार्ट के एक सवाल, एक पार्ट के 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क इस तरह से डिवाइड कर दिए, तो स्टेप मार्किंग वगैरह सब आपकी यहाँ पर होती है।
कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपका ये ख़त्म हो जाता है, इसमें सब्जेक्टिव बहुत होता है। इसके अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये एडवांस लेवल आप समझ सकते हैं, ये एडवांस प्लस ही थोड़ा सा समझ लो नाउ। हाँ, और ये स्टेज थ्री की बात करें तो कैंप जो होता है, मतलब जो यहाँ से INP जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो कैंप में जाते हैं, और कैंप में फिर उनको एक्सपेरिमेंट करवाया जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, पढ़ाया जाता है वहाँ पर। और उस कैंप में वहाँ पर फिर बताते हैं कि मतलब उनमें से सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये 10-15 लोग जो आए थे कैंप में से, उसमें से 3-4 लोग सेलेक्ट करके फिर उनको फॉरेन लिया जाता है। INP IPHO जो होता है वो हर साल अलग अलग कंट्री में होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि INPHO जाने के लिए आपके लिए पासपोर्ट बनना होना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली तभी बाहर जा पाओगे। दूसरी बात जो है सिलेक्शन भी होना चाहिए कैंप से तो आप INPHO जा सकते हैं। तो ये आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, है ना। होगा ही यार, अभी तक तो कुछ नहीं आया तो होगा ही कुछ। कैंसिल हो गया क्या? अच्छा, तो मे बी। और लेकिन इसमें देखो अच्छी बात ये है ना, जैसे अभी मैथ्स ओलंपियाड है ना, जैसे मैथ्स ओलंपियाड है तो उसमें क्या होता है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर जाता है अपने ITJEE से। बट अगर फिजिक्स ओलंपियाड की बात करें तो अपने आसपास ही खेलता रहता है अपना जो सिलेबस है वो फिजिक्स ओलंपियाड का, और अपना ITJEE का वो अपना काफ़ी आसपास ही खेलता रहता है, तो इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। ओके, तो इफ़ यू रियली थिंक, तो आप मतलब वंस अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अपन उस बारे में सोच सकते हैं। उसकी तैयारी अगर अलग से करवानी है, कुछ पेपर अलग से देने हैं तो आई एम रेडी फॉर दैट, बट आपकी तरफ से तैयारी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप मुझसे मिलिएगा। इसमें सिलेबस की बात कर लेता हूँ, तो सिलेबस जो होता है 11th एंड 12th दोनों मिला के, 11th एंड 12th आपका। अच्छा, सभी के लिए लगाने वाले? अरे वाह, ना 11th को तो बोलो, मतलब 12th में देखो एक तो होता है ना कि अभी अंदर से आए तब जाके तो करें ज़बरदस्ती करें उसके साथ, तो मतलब देख लो अभी। आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस, कि अपने को क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ करना है, डिस्कशन करना है, पढ़ना है, जो भी करना है, तो वी मे थिंक अबाउट दैट। तो एक बार अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं, SATs के बारे में, या चाहें तो अपन फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, हाँ अच्छा, तो अभी हो गया बताने का भाई मेरा यहाँ पे ठीक है, अभी डिस्कस 3:30 बजे मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।